रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी भयानक आग, ऊपर 25,000 लोग फंसे कटरा। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के जंगलों में मंगलवार देर रात आग लग गई, जो अब तक दहक रही है। आग के चलते करीब 25,000 तीर्थयात्री फंस हुए हैं। आग के कारण एक ट्रैक पर यात्रा सस्पेंड कर दी गई। हालांकि शुरू में दोनों ट्रैक को बंद कर दिया गया था। कटरा और मंदिर के पास फंसे तीर्थयात्री आग के कारण जम्मू के कटरा में 20,000 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं करीब 5,000 लोग मंदिर के पास भवन में फंसे हुए हैं। वैष्णो देवी के लिए तीर्थयात्री दो रूटों से जाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले दो रूट में से 13 किमी वाला नया ट्रैक अब भी बंद है। वहीं पुराने रास्ते पर भीड़ भाड़ न हो जाए, इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। पहले दोनों रूटों पर आवाजाही रोकी गई थी, हालांकि बाद में पुराना रूट खोल दिया गया और बैटरी कार वाला नया ट्रैक बंद रखा गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अफसरों के मुताबिक ये आग त्रिकुटा के पहाड़ पर हिमकोटी से लेकर सांझी छत के बीच लगी है। आग बुझाने में लगे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अफसरों के मुताबिक यहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया है। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर तैनात हैं। राज्य प्रशासन के एक अफसर ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 24 घंटे काम किया जा रहा है।